अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IBR इन्फो। आज हम आपको PNT सोसाइटी लेके जा रहे हैं और PNT सोसाइटी के मनाज़िर आपको दिखाएंगे। अब हम PNT सोसाइटी में के मेन गेट से अंदर इन होंगे, जो कि 5 नंबर गेट कहलाता है। अच्छा, यहाँ का रोड अभी हमवार नहीं है, बल्कि रोड तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ सेवरेज का प्रॉब्लम था तो नई लाइनें डाली गई थी, जिस वजह से ये रोड हमवार नहीं है। अब देखें सोसाइटी इंतज़ामिया कब यहाँ पे रोड डालती है, काफ़ी टाइम हो चुका है। लेफ्ट हैंड पे आपको नुमान रेस्टोरेंट नज़र आ रहा होगा। ये PNT सोसाइटी का एक मेन रोड है और ये फूड स्ट्रीट भी कहलाती है PNT सोसाइटी की। मेरे लेफ्ट हैंड पे आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स बिरयानी, जो कि PNT सोसाइटी की बहुत मशहूर बिरयानी है। आपको आप लोग देख रहे होंगे कि क्योंकि रोड ना होने की वजह से वीडियो में थोड़ी वाइब्रेशन आपको महसूस हो रही होगी। ये PNT सोसाइटी का एक और स्कूल आ गया। अच्छा, लेफ्ट हैंड पे जो गली जा रही है, यहाँ पे स्कॉसेट नाम का एक स्कूल है, जो कि सरफराज स्कूल भी कहलाता है। यहाँ से हम सीधा PNT के मेन चौक में दाखिल हो गए। ये PNT सोसाइटी का मेन चौक कहलाता है। अच्छा, यहाँ से अब हम आपको PNT सोसाइटी के बड़े पार्क की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सोसाइटी का बड़ा पार्क कहलाता है। यहाँ पे फैमिलीज अपने बच्चों के हमरा शाम में आती हैं और बच्चे और फैमिलीज तफरी के लिए आते हैं यहाँ पे, और सुबह में ये पार्क भी खुला होता है, यहाँ पे लोग जॉगिंग भी करते हैं। ये आप देख रहे हैं PNT सोसाइटी का बड़ा पार्क, जो कि बड़े पार्क के नाम से मशहूर है। ये यहाँ के इलाके में रहने वाले लोगों के लिए बहुत तफरी का बाइस है। सोसाइटी के अंदर की गलियां थोड़ी हमवार नहीं हैं, यहाँ का इंतज़ामिया थोड़ी तवज्जा दे। बहुत अच्छी सोसाइटी है और महंगी सोसाइटी है। अच्छा, यहाँ से अब हम आपको लेके चलेंगे, दिखाएंगे बल्कि यहाँ की बिस्मिल्लाह मस्जिद। सामने आपको नज़र आ रही होगी यहाँ की PNT सोसाइटी की बिस्मिल्लाह मस्जिद। अच्छा, मस्जिद के बराबर गली में आफ्ताब स्कूल भी है, यह है बिस्मिल्लाह मस्जिद। और ये यहाँ का मदरसा बिस्मिल्लाह मस्जिद का, यहाँ पे बच्चे हिफ्स और नाजरा की तालीम हासिल करते हैं। जितना हो सकता है आपको मैं यहाँ के मनाजिर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। अब दोबारा हम यहाँ पे PNT सोसाइटी के मेन चौक से गुजरेंगे। ये PNT सोसाइटी का मेन चौक है। अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ का छोटा पार्क, जो कि अब पार्क तो नहीं रहा लेकिन बच्चों के लिए प्लेग्राउंड की हैसियत इख्तियार कर ली है। यहाँ पे बच्चे शाम को क्रिकेट, सुबह शाम क्रिकेट खेलते हैं, बाकी शादी ब्याह के लिए यहाँ पे प्रोग्राम के लिए टेंट भी लगाए जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लेफ्ट हैंड पे
आपको अभी जाके दूसरे कट से मैं आपको पूरा ग्राउंड दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी यहां से आपको पूरा ग्राउंड दिखाता हूं। ये देखें, यहां पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये छोटा पार्क कहलाता है। और आप टेंट भी देख रहे होंगे लगा हुआ, यहाँ पे लोग अपने प्रोग्राम भी करते हैं। ये अब आपको PNT सोसाइटी का अंदर का इलाका दिखा रहे हैं। जितना हो सकता है कम से कम वक्त में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ PNT सोसाइटी। बड़े खूबसूरत घर हैं यहाँ पे। यहाँ से अब हम आपको लेके जाएंगे यहाँ की आपकी मस्जिद दिखाएंगे, जामा मस्जिद तैयबा। फिर उसके बाद हम अपनी वीडियो को एंड कर देंगे। अच्छा, PNT सोसाइटी में फ्लैट भी है, अगर कोई फ्लैट लेना चाहता है तो यहाँ पे फ्लैट भी मिल रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा लेफ्ट हैंड पे जो खिड़कियां, ये है यहाँ का PNT सोसाइटी का मदरसा जिल्लुर रहमान। फ्रंट से आपको हम दिखाएंगे अभी। पहला गेट जो आएगा ये मदरसा जिल्लुर रहमान का आएगा। यहाँ बच्चे हिफ्ज़ व नाज़रा की तालीम हासिल करते हैं। और ये जो सेकंड गेट आ रहा है ये यहाँ की तैयबा मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह।